जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी आज। जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल की थी पायलट की वापसी की घोषणा। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए प्रदेश के तीनों वीर सपूतों का हुआ अंतिम संस्कार। कानपुर, वाराणसी और मथुरा में लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अंतिम यात्रा में हुए शामिल। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को बांटे गोल्डन कार्ड, आरोग्य कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का लगातार कर रही है काम। कानपुर और आगरा में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। केंद्रीय कैबिनेट ने कानपुर एवं आगरा मेट्रो ट्रेन परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बातों पर अगर यकीन करें तो भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन आज स्वदेश लौट रहे हैं। दरअसल कल जबरदस्त कूटनीतिक दबाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने कल अपने देश की संसद में भारतीय पायलट की वापसी की घोषणा की थी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी का स्वागत किया जा रहा है और इस वक्त भारत के हर हिस्से में खुशी का माहौल है। अपने जांबाज की एक झलक पाने के लिए पूरा भारत व्याकुल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पुलवामा आतंकवादी हमले पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पीएम मोदी ने सीमा पार से आतंकवादी हमलों से अपने हितों की रक्षा के लिए भारत के प्रयासों के प्रति समर्थन जताने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं बालाकोट में आतंकी शिविरों की सफाई की भारत की कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। अब भारत ने पाकिस्तान के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। गुरुवार को तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने विशेष तौर पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया और इस दौरान उनका एक F-16 विमान मार गिराया गया। बालाकोट में आतंकी शिविरों के सफाए की भारत की कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के सैन्य ठिकानों की निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। अब भारत ने पाकिस्तान के तमाम दावों की पोल खोल दी है। गुरुवार को तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने विशेष तौर पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और इस दौरान उनका F-16 विमान मार गिराया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एयरक्राफ्ट अटेम्प्टिंग टू टारगेट Our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. वायुसेना ने कहा कि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बारे में काफी झूठ बोला। वायुसेना ने पाकिस्तान की वो मिसाइल भी दिखाई जो F-16 से ही फायर की जा सकती है और जो भारतीय क्षेत्र में मिली है। Parts of AMRAAM air to air missile which is carried only on the Pakistan F-16 was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore the fact remains that one F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready and committed to take on any eventuality. वायुसेना ने यह भी कहा कि वो किसी भी हालात का सामना करने को तैयार है। वायुसेना ने कहा कि बालाकोट में आतंकी शिविरों को तबाह करने का हमारा प्रयास सफल रहा है। बालाकोट के मामले में वहां पर जो हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया उसको कैसे स्थापित करेंगे? हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले, कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं देना।
वहीं सेना ने भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. भारतीय नौसेना ने भी कहा कि हम हर जगह किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं। Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions, on surface, undersea and in air, to deter, prevent and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दबाव में झुकते हुए अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया है। भारत ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि अभिनंदन लौट आएंगे। IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. सेना का कहना है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है। जब तक पाकिस्तान सपोर्ट करता रहेगा, हम आतंकी शिविर टारगेट करने के लिए तैयार हैं। पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अब वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में वीटो के अधिकार वाले तीन देशों ने बुधवार को यह नया प्रस्ताव पेश किया। तीनों देशों की ओर से पेश इस नए प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति को 10 कामकाजी दिनों में विचार विमर्श करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम लगातार रंग ला रही है और पाकिस्तान इस मामले में अलग थलग पड़ता जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भी भारत के रुख से सहमत दिख रही है और यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में वीटो के अधिकार वाले तीन देशों ने बुधवार को यह नया प्रस्ताव पेश किया। तीन देशों की ओर से पेश इस नए प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति को 10 कामकाजी दिन में विचार करना होगा। वैश्विक आतंकवादी की सूची में नाम आने से मसूद पर वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लग जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। किसी प्रतिबंधित व्यक्ति अथवा संगठन की संपत्ति जब्त करने की सूरत में सभी देशों को उसको मिलने वाले धन पर तथा अन्य आर्थिक सहायता अथवा आर्थिक संसाधनों पर फौरन रोक लगानी होती है। इसी प्रकार से यात्रा प्रतिबंध के तहत सभी देश प्रतिबंधित व्यक्ति को अपने क्षेत्र में प्रवेश देने अथवा वहां से गुजरने देने पर रोक लगाते हैं। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए पिछले 10 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में यह चौथा ऐसा प्रयास है। भारत ने 2009 में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 2016 में भारत ने संबंध में P3 देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की 1267 सदस्यीय प्रतिबंध समिति के समक्ष मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 2017 में भारत ने P3 देशों के साथ इसी प्रकार का प्रस्ताव फिर से पेश किया, लेकिन सभी मौकों पर वीटो का अधिकार रखने वाले सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इसमें अड़ंगा डाला। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। ट्रंप ने हनोई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होगा। आई थिंक रीजनेबली अट्रैक्टिव न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, दे बीन गोइंग एट इट एंड वी बीन इन्वॉल्वड इन ट्राइंग टू हैव देम स्टॉप एंड वी हैव सम रीजनेबली डीसेंट न्यूज। आई थिंक होपफुली दैट्स गोइंग टू बी कमिंग टू एन एंड, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, डेकेड्स एंड डेकेड्स। देयर इज अ लॉट ऑफ डिसलाइक अनफॉर्चूनेटली, so we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some
organization and some peace, and I think probably that's going to be happening. उधर ऑस्ट्रेलिया ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और सैन्य कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने की दोबारा अपील करते हुए कहा कि तनाव बढ़ना सभी के लिए बेहद खतरनाक है। इस बीच जापान ने पाक से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने एक बयान में कहा, जापान 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है, जिसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। जापान ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। जर्मनी ने भी पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जर्मन विदेश मंत्री हीको मास ने एक बयान में कहा है कि वो ऐसे कदम उठाएं ताकि उसकी जमीन से आतंकवादी संगठन किसी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सके। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए अबू धाबी पहुंच रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज को आमंत्रण दिए जाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इस बीच भारत की ओर से राजनयिक कोशिशें जारी हैं। विदेश सचिव ने 10 देशों के राजनयिकों के साथ बैठक की और उन्हें मौजूदा हालात की जानकारी दी। कुल मिलाकर पाकिस्तान को चौतरफा घेरा जा रहा है ताकि उसे हर ओर से मूंगी खानी पड़े। फिरोजपुर सीमा के पास भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आज एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। जासूस के पास से पाकिस्तानी सिम कार्ड और कैमरा बरामद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। जानकारी के मुताबिक उसकी शिनाख्त यूपी के मुरादाबाद के गांव में रहने वाले मोहम्मद शाहरुख के रूप में हुई। फिलहाल संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ चल रही है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो बार आतंकवादी मार गिराए। गुरुवार रात करीब 9 बजे सेना की 22 आरआर 92 बटालियन सीआरपीएफ और एसओजी की टुकड़ियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट कमालकोट इलाके में आज तड़के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के अग्रिम चौकियों पर गोलाबारी की और गोले बरसाए। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं सरकार ने अलगाववादी समूह जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गुरुवार को प्रतिबंधित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी की गई। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने का आरोप है। सुरक्षा बलों पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार भी किया था। विमान में दीपक की तैनाती जम्मू कश्मीर के एयरबेस में थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने शहीद दीपक पांडेय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश और प्रदेश की जनता उनके अमर बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगी। देश उनका ऋणी है। पांडे जी के अमर बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। देश की 130 करोड़ प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है और यह देश उनका ऋणी है। पूरी सरकार और पूरा प्रदेश परिवार के साथ है। किस तरह से मदद की जा रही है? मदद तो देखिए, घोषणा तो 25 लाख रुपए और एक नौकरी की घोषणा है, बाकी हर प्रकार से सरकार साथ खड़ी है। मथुरा के शहीद पंकज नौहवार का पार्थिव शरीर विशेष विमान से आगरा से मथुरा लाया गया। आज मथुरा में गांव जरैलिया नौझील में आर्मी ने सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। मथुरा के रहने वाले पंकज नौहवार वायुसेना में एयरमैन टेक्निकल नायक के पद पर तैनात थे। बुधवार को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पंकज ने चॉपर से एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी थी। अचानक चॉपर गिर गया, इसमें वो शहीद हो गए। पंकज 24 दिन पहले ही छुट्टी के बाद ड्यूटी पर गए थे। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और वायुसेना और पुलिस प्रशासन के अफसरों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि। देखिए, सब लोगों की
आंखों में आंसू भी हैं और आक्रोश भी है, और जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया भी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, पर हमारी सेना ने आतंकवादी ठिकानों को निस्तानाबूद किया है सीमा के उस पार जाकर। तो आज सब पूरा मुल्क अपने जावाज सिपाहियों की शहादत को सलाम कर रहा है और सेना के पीछे चट्टान की तरह सब लोग खड़े हुए हैं। ये जो दुर्घटना हुई थी इस चौपर में उस कारण हमारे पंकज और हमारे और दो शहीद कानपुर के और बनारस के हमारे उत्तर प्रदेश के लाल शहीद हुए हैं, और पूरा प्रदेश आज अपने शहीदों को शहादत को नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। पूरे देश में एक जबरदस्त 14 तारीख की घटना के बदले की आग सबके हृदय में है। जब उन्होंने हमारे 40 जवानों की हत्या कर दी, उसके बदले उनके 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए, आज ये दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में मेरे यहाँ का नौजवान पंकज शहीद हुआ है और उसके दो साथी भी शहीद हुए हैं। सभी की, उत्तर प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, पूरी जनता की, सबकी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है, और इस असहनीय कष्ट में जो भी संभव हो सकता है उनके परिवार को हर संभव मदद दी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम इलाके में भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए वाराणसी के विशाल पांडे का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। वाराणसी के चौकाघाट निवासी विशाल पांडे की अंतिम संस्कार यात्रा में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद विशाल पांडे का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर हुआ। इस मौके पर वायुसेना के जवान और अधिकारी, प्रदेश में राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी और अनिल राजभर मौजूद थे। इस दौरान विशाल पांडे अमर रहे के नारे भी लगाए गए। प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर के बड़गाम इलाके में भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद दीपक पांडे, पंकज सिंह और विशाल कुमार पांडे के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिवार को सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के इन तीनों शहीदों के नाम पर उनके गृह जनपद में एक एक सड़क का नामकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। वहीं आरोग्य केंद्र एवं MCH विंग का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी सेवा का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कर गोल्डन कार्ड, आरोग्य कार्ड का भी पत्र वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आरोग्य केंद्रों पर कार्यरत GNM और ANM को टैबलेट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमने प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया है और सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। 17 ऐसे जो 100 शैयाओं युक्त MCH विंग हैं, उनका भी आज जहां लोकार्पण किया जा रहा है, साथ ही साथ इससे पहले भी बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार के जो विंग स्थापित हुए हैं, बने हैं, उनको लोकार्पित करके जनता को समर्पित किया गया है। लेकिन आजादी के बाद 1947 से लेकर के अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या थी, 1947 से 2014 तक प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर आजादी के पहले से लेकर के और 2014 तक केवल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे, और आज के दिन पर हम 15 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 2 एम्स बना रहे हैं, एक एम्स के समकक्ष हॉस्पिटल बना रहे हैं और एक कैंसर संस्थान अभी 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया है वाराणसी में।
अमेठी के रामगंज कौहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 3 मार्च को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेठी के लोगों को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसी स्थान का निरीक्षण करने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। बाद में मुख्यमंत्री गौरीगंज में स्थित गुरुकुल ज्ञान अकेडमी पहुंचे, जहां पर वे अमेठी के लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के मन की बात और एक बूथ एक कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय सहित नंद कुमार नंदी सहित कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। जनपद अमेठी से जुड़ी भी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर करेंगे। इस दृश्य कार्यक्रम के रूपरेखा और तैयारी की समीक्षा करने के लिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। देख रहे हैं यहाँ का कार्यक्रम पूरी गंभीरता के साथ होगा। अमेठी जो विकास की प्रक्रिया से पिछड़ गया था, द्रुत गति से विकास की इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत की एक दिवसीय यात्रा के दौरान तमिलनाडु में जहां एक ओर विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं आंध्र प्रदेश में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। यहां पर वे कई विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करेंगे। इसमें कई रेल और रोड की परियोजनाओं सहित पंबन ब्रिज की सौगात भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई से चेन्नई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजिट्स आर अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। Whenever he is coming, he is introducing good schemes to Tamil Nadu. He is laying stones, foundation stones for good schemes for Tamil Nadu. So people are expecting him and his visits bring victory to Tamil Nadu. प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंदपुरम स्थित रामायण फोटो एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। 108 फोटो पैनलों की पूरी वाल्मीकि रामायण को यहां चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। देश में ये अपने आप में ही अलग तरह की फोटो रामायण एग्जीबिशन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यहां स्थित भारत माता मंदिर के भी दर्शन करेंगे। पूरी रामायण वाल्मीकि रामायण को 108 पैनल में डिपिक्ट किया गया है। इसमें रामायण के बारे में ही पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा ऑथेंटिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। ये इंडिया में एक ही है, इसका जैसा और कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक ही है यहाँ पे कन्याकुमारी। जनवरी में तमिलनाडु की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में एम्स की आधारशिला रखी थी। उन्होंने तंजौर और तिरुनमवेली में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर शहर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। We are expecting more than 1 lakh to 1.5 lakh people. They are all coming voluntary only. They are all from all three districts. They do Srikakulam, Vijayanagaram, Vishakhapatnam. They are all three districts. People are coming in lot of number. आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट में नया रेल जोन देने की बात कही गई थी, जिसे मौजूदा केंद्र सरकार पूरा करने जा रही है। रेलवे ने आंध्र प्रदेश को नया जोन बनाने का फैसला किया है। नए जोन को साउथ कोस्ट जोन के नाम से जाना जाएगा। इसमें विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंडकल और वाल्टर डिवीजन के कुछ भाग शामिल होंगे। विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय होगा। पीपल थॉट इफ इट इज ए जोनल हेडक्वार्टर्स दे विल गेट लॉट ऑफ फैसिलिटीज। व्हाट हैपेंड व्हेन द ईस्ट कोस्ट रेलवे वाज फॉर्म्ड with Bhuvaneswar as headquarters, the trains originating from Visakhapatnam are being taken to Bhuvaneswar. Then people got some suspicion because it is not a zonal headquarters, all these trains were being taken to Bhuvaneswar. If Visakhapatnam is made as zonal headquarters, the trains will start from Vizag and people will get advantage. केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता तक 23.785 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके कुछ हिस्से भूमिगत और कुछ हिस्से जमीन से ऊपर होंगे। कानपुर मेट्रो के 22 स्टेशन होंगे, जिसमें 14 स्टेशन भूमिगत और 8 स्टेशन जमीन से ऊपर होंगे। इस परियोजना पर 11,076.48 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं आगरा परियोजना की अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपए आएगी। दोनों शहरों की परियोजनाओं को 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा।
आगरा में मेट्रो के दो कॉरिडोर होंगे जो ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज और अन्य को जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कानपुर एवं आगरा मेट्रो ट्रेन की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कानपुर और आगरा के निवासियों को इस सौगात के लिए बधाई भी दी है। गुरुवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत नोएडा में कार्यकर्ताओं से भाजपा के बड़े नेताओं ने संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करके जीत का मंत्र देने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 लोकसभा में मिली 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 74 सीटें प्राप्त करेगी। कार्यक्रम में बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। बूथ नंबर 368, 379 और 370 के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के तहत चर्चा की गई। बूथ नंबर 368, 369 और 370 वहां के कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। जो चुनाव है उसमें हम विजयश्री हों, सफलता हासिल करें, भारत की जनता का और उत्तर प्रदेश की जनता का हम आशीर्वाद हमें मिले और उसकी दृष्टि से हम काम करें। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, मैं बहुत अच्छा वातावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में देख रहा हूं। लोग प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमें 73 सीटें आई थी, इस बार 73 नहीं 74 आएंगी। रायबरेली के महाराजगंज में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 10 सफाई कर्मचारियों को अंगवस्त्र प्रदान कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली जिला विकास की मुख्य धारा से दूर हो गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जो भी विकास की जरूरतें हैं उन्हें हमारी सरकार पूरा करेगी। जौनपुर में गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सचल चिकित्सा इकाई का शुभारंभ राज्य मंत्री गिरीश यादव ने किया। ये मोबाइल यूनिट 10 बजे से 5 बजे तक लोगों के घर घर जाकर चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। इसमें प्राथमिक उपचार की सभी दवाएं, ऑक्सीजन, पैथोलॉजी और ईसीजी मशीन सहित कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसमें एक चिकित्सक समेत 5 लोगों का पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध रहेगा। ये सचल चिकित्सा इकाई का उद्घाटन हुआ है और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको कार्ड भी वितरित किया गया। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी आज। जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल की थी पायलट की वापसी की घोषणा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए प्रदेश के ध्यान का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को बांटे गोल्डन कार्ड, आरोग्य कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का कर रही है लगातार काम। कानपुर और आगरा में भी दौड़ेंगी मेट्रो ट्रेन। केंद्रीय कैबिनेट ने कानपुर एवं आगरा मेट्रो ट्रेन परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।